हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.9 करेंगे, चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की। देखो, एक्सरसाइज 7.9 में वैसे तो डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चंस है जिन्हें हमने सॉल्व करना है, लेकिन उसमें हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है जिसे मैं एक बार आपको बताना ज़रूर चाहूँगी। दिस इज सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑन इंटीग्रल कैलकुलस। क्या है ये? लेट एफ बी ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, एफ स्मॉल एफ, ध्यान देंगे कि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, स्मॉल एफ ले रहे हैं कि स्मॉल एफ एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ए बी इंटरवल में क्लोज्ड फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, एंड कैपिटल एफ बी द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। ध्यान देंगे, एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब है? एफ का इंटीग्रेशन, स्मॉल एफ की इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स है। ध्यान दें, कुछ खास बात नहीं, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कि स्मॉल एफ कोई कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है। कैपिटल एफ उस स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन है। तो बिटवीन द लिमिट्स अगर हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, एफ एक्स की इंटीग्रेशन बिटवीन ए एंड बी अगर हमें फाइंड करनी है, तो वो क्या बनेगी? एफ बी माइनस एफ ए। यानी इस इंटीग्रल में देखो, सिंपल फंक्शन की इंटीग्रेशन तो हो गई कैपिटल एफ एक्स, और अगर ए से बी तक की हम बात करते हैं, वैसे यहाँ प्लस सी आता है जो कि बाद में कैंसिल हो जाता है, तो वो बनेगा इस इंटीग्रल में पहले हम अपर लिमिट रखेंगे और फिर हम यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे। वैसे मैं आपको इसको एक्सरसाइज 7.8 में बता दे चुकी हूँ, क्लियर है? तो आपकी इस एक्सरसाइज में जितने भी एग्जांपल्स हैं वो वैसे तो फंडामेंटल थ्योरम से दे रखे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि एग्जाम में आपको इस थ्योरम को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको इस मेथड से करा रही हूँ। लेट स्मॉल एफ एक्स, ठीक है भाई, स्मॉल एफ एक्स हमारा क्या हो गया? एक्स स्क्वेयर। क्वेश्चन क्या है? लेट मी रीड फर्स्ट। इवेल्यूएट आई इंटीग्रेशन बिटवीन 2 to 3 एक्स स्क्वेयर डी एक्स, यानी इस फंक्शन को 2 to 3 के बीच में इंटीग्रेट करो। तो हमने इसको स्मॉल एफ एक्स मान लिया और इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं। अब हम देखो ध्यान से, स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, स्मॉल एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन, और एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में सी, जिसे मैंने नाम दे दिया एफ एक्स, ठीक है। अब बाय फंडामेंटल थ्योरम, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑन इंटीग्रल कैलकुलस, किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स क्या होगी? तो इसकी बात कर रहे हैं 2 to 3 एक्स स्क्वेयर डी एक्स क्या होगा? ध्यान दें, एफ थ्री माइनस एफ टू, एफ बी माइनस एफ ए। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स हमारा ये है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक है भाई। अब यहाँ आप 3 रख दो, यहाँ 3 रखो तो ये बनेगा 3 cube by 3, और ये तो सी है, कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। माइनस आप यहाँ 2 रख दो तो ये हो जाएगा 2 cube by 3 प्लस सी, ओपन द ब्रैकेट। ये देखो 3 क्यूब कितना बन जाएगा? 27/3 जमा सी माइनस 8/3, और माइनस प्लस माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और 27 में से जब आप 8 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19/3। और ये क्वेश्चन इस तरह करने पर बहुत लंबा पड़ जाता है, तो हमें सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपने करना नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको समझा दिया है कि भाई आपको ये ना लगे कि ये थ्योरम हमने पढ़ी ही नहीं है। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बिल्कुल डायरेक्ट कैसे करना है? थोड़ी देर के लिए लिमिट को भूल जाओ, इरेज नहीं करना, भूलना है सिर्फ। तो एक्स स्क्वेयर की जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगी? एक्स क्यूब बाय 3, और अब यहाँ सी नहीं लगाना क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, और इस इंटीग्रेशन पर ब्रैकेट लगाकर 2 to 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया था, पुट अपर लिमिट हेयर, तो ये बन जाएगा 3 cube by 3 माइनस लोअर लिमिट 2 cube by 3, एंड आवर आंसर विल बी सेम जैसा अभी थोड़ी देर पहले आया था, हमारा आंसर हो जाएगा 19/3। तो ये था डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना। अब हम कुछ अलग अलग क्वेश्चंस इसके देखते हैं।
नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट ऑफ एग्जांपल नंबर 27, आई इज इक्वल टू 4 to 9 रूट एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 30 माइनस एक्स इज टू पावर 3/2 होल स्क्वायर। देखो अगर हम इसे सेकंड थ्योरम से करते हैं बेटा तो ये बहुत लंबा पड़ता है और एग्जाम में कभी भी मेंशन नहीं होता कि आप इसे सेकंड थ्योरम से ही करें। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताऊंगी जो कि हमारे एक्सरसाइज 7.10 में भी आएगा, ठीक है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यू आर फ्री टू चूज द मेथड, तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे करेंगे आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये जो फंक्शन है नीचे x की पावर 3/2 इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो असल में रूट एक्स बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुट करते हैं कि लेट ये जो टर्म है, सिर्फ ये वाली टर्म जो ब्रैकेट में है 30 माइनस एक्स इज टू पावर 3/2 को मैं जेड पुट कर लेती हूँ, ठीक है भाई। और फिर मैं क्या करती हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये सब हमने डिफरेंशिएशन में भी किया हुआ है। तो 30 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, x इज टू माइनस लग गया, x इज टू पावर 3/2 का डेरिवेटिव होगा 3/2, x इज टू पावर 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2, डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, क्लियर है। फिर से मैं लिख रही हूँ माइनस 3/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। अब हमें यहाँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, ये देखो ये दोनों टर्म्स न्यूमरेटर में है रूट एक्स डी एक्स और ये रहा रूट एक्स डी एक्स, तो बाकी की टर्म्स को हम राइट में ले जाएं तो हमें इसकी वैल्यू कम्प्लीटली जेड में मिल जाएगी। तो रूट एक्स डी एक्स 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और माइनस 2/3 डी जेड बन जाएगा। और इस रिजल्ट को हमने क्या पुट किया था, जेड पुट किया था, ध्यान दें इसको मैंने जेड पुट किया था, तो ये जेड स्क्वेयर बन जाएगा और ये ऊपर वाली पूरी टर्म डी जेड में आ गई। नाउ वी कैन इंटीग्रेट, नहीं अभी नहीं कर सकते, अभी आप देखें कि हमने x को पूरी तरह से z में बदल दिया है, dx को dz में बदल दिया है, तो ये जो लिमिट्स हैं ये तो हमें x की लिमिट्स गिवन है कि x की वैल्यू 4 से 9 के बीच में है। अब हमारा फंक्शन z में कन्वर्ट हो चुका है तो हमें ये देखना है कि z की लिमिट्स क्या हैं। तो यहाँ आपको जो की पॉइंट याद रखना है इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड में वो ये है कि आपको लिमिट्स भी चेंज करनी है, यहाँ पर लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। ये 1 ले लीजिए, यहाँ पुट किया इसको 2 ले लीजिए और इसको आप 3 ले लीजिए। अब यहाँ से हम लिमिट चेंज करते हैं, फ्रॉम सेकंड व्हेन x इज इक्वल टू 4, जब x 4 है तो z कितना होगा, 30 माइनस 4 की पावर 3/2, सिंपल कैलकुलेशन है भाई, देखें कैसे 4 का मतलब होता है 2 स्क्वेयर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 क्यूब 8 हो जाएगा और ये बन जाएगा 30 माइनस 8 यानी कि 22। तो जब x 4 है इन दैट केस z की वैल्यू 22 आ रही है तो हमारी लोअर लिमिट 22 बन जाएगी। और जब x हमारा कितना है भाई 9 है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 9 की पावर 3/2, 9 क्या होता है 3 का स्क्वेयर, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 3 स्क्वेयर की पावर 3/2, 3 क्यूब हो गया 27 और 30 में से 27 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, देखो ये कहीं मेंशन नहीं है कि लोअर लिमिट छोटी ही होगी और अपर लिमिट बड़ी ही होगी। अब हमारे पास ध्यान दें, इसको मैंने जेड में बदल दिया है, ये पूरा डी जेड में बदल गया है, हमारी ये लिमिट 22 बन गई है और ये लिमिट 3 बन गई है। तो इन सब रिजल्ट्स को हम यहाँ पर फर्स्ट में यूज़ करेंगे, यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, बल्कि आप इन दोनों को भी कंबाइंड एक नाम दे दीजिए नंबर 4। तो सेकेंड थर्ड और 4 तीनों को हम फर्स्ट में यूज करते हैं तो ये जो हमारा इंटीग्रल है ये क्या बन जाता है, दिस इज इक्वल टू 22 to 3, ठीक है भाई। जब हमने 4 रखा तो 22 आया है और ये 3 आया है रूट एक्स डी एक्स, बहुत ध्यान से देखना है, माइनस 2/3 डी जेड। तो यहाँ ऊपर तो लिख देंगे माइनस 2/3 डी जेड और नीचे जो ये ब्रैकेट में टर्म थी इस पूरी को हमने जेड रखा था और इसकी भी पावर 2 है तो ये बन जाता है आपका जेड स्क्वेयर। इस कांस्टेंट को आप बाहर ले आएं, माइनस 2/3 बाहर,
22 to 3 और ये बन गया 1/z² dz। ठीक है भाई, वेरिएबल भी जेड है और विद रिस्पेक्ट टू भी जेड करें, तो इस पावर को मैं अगर ऊपर ले जाऊं, एक लाइन थोड़ा मैंने शॉर्टकट ले लिया है, तो ये हो जाएगा z^-2। z^-2 बहुत सिंपल है इंटीग्रेट करना, तो बाहर जो कांस्टेंट है वो एज इट इज, z^-2 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, -2+1/-2+1 बिटवीन द लिमिट्स 22 to 3 हमारा आ गया। अब ध्यान दें, ये -1 बनेगा और इस -1 को मैं इस माइनस से कैंसिल कर दूंगी, तो बाहर तो रह गया 2/3 और ये बन गया z^-1 22 से लेकर 3 तक। z^-1 का मतलब क्या है, 1/z 22 से लेकर 3 तक। अब आप तरीका देखें, 2/3 पहले अपर लिमिट ही रखनी है तो 1/3, फिर लोअर लिमिट रखनी है by 1 minus 22। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है भाई, तो बाहर तो आ गया 2/3 और 22 और 3 का जो LCM है वो आएगा 66, यहाँ आ जाएगा 22 minus 3 और ये आ जाएगा 2/3 × 22 में से 3 गए 19, 19/66 कैंसिल कर दो भाई यहाँ से 33 और आपका आंसर आ रहा है 19/99। ये आपका आंसर आता है जिसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से करना है तो उसको आपके एग्जांपल में गिवन भी है वो मेथड आपका, और अदरवाइज उस मेथड में कुछ भी नहीं है, आप वहाँ लिमिट्स को भूल जाएंगे और इसको पूरे को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो इंटीग्रेशन हमारी आ जाएगी, फिर ये लिमिट सॉल्व करनी पड़ेंगी। जो सॉल्यूशन हमने यहाँ किया है वो वहाँ लिमिट रखते टाइम आपको करना पड़ेगा, तो काम उतना ही होगा, बट दिस मे बी ईजी। देखो बेटा, अभी तक मैंने दो एग्जांपल्स आपको कराए हैं, मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनमें जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेशन हैं फॉर्मूलाज की। थोड़ा थोड़ा मुझे टाइम लगता है तो मैं जल्दी से आपको हिंट भी दूंगी, डायरेक्ट एप्लीकेशन है, लगभग सभी क्वेश्चंस आपके बहुत ईजी हैं, आपने जस्ट उन्हें इंटीग्रेट करना है और उनके अंदर आपने जो भी फॉर्मूले हमने अभी तक इंटीग्रेशन में किए हैं वो सारे फॉर्मूलाज आ रहे हैं, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है और केवल लिमिट पुट कर देनी है आपने। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी हम पहले कर चुके हैं, कहाँ, पार्शियल फ्रैक्शन से, याद करें पार्शियल फ्रैक्शन से, i इज इक्वल टू इंटीग्रेट फ्रॉम 1 to 2 x/(x+1, x+2) dx। तो हम इसको लेते हैं पहले, ठीक है भाई, जब आप फेयर नोटबुक में करें तो स्टेटमेंट को लिखेंगे तो यहीं से आप सॉल्यूशन मान के चलें, तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से पहले अलग अलग करते हैं, x/(x+1) × x+2 दोनों लीनियर फैक्टर हैं, ठीक है। तो क्या बताया था कि a बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b/2 लीनियर फैक्टर, LCM ले लीजिए, x/(x+2), x+1 cancel, a × x+2, x+2 cancel, b × x+1 और फिर इसके बाद हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम हैं, तो न्यूमरेटर को जब हम कंपेयर करते हैं तो x = a×x+2 + b×x+1। यहाँ मैंने अब आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स अलग अलग हैं, लीनियर हैं, तो आप एक बार इसको जीरो पुट कर दीजिए और एक बार इसको जीरो पुट, x+1 = 0 यानी कि x = -1 इन बोथ साइड्स। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में दोनों तरफ x की जगह हम -1 रखेंगे, तो ये देखो यहाँ से ध्यान दें, ये -1 a × -1+2 + b × -1+1, ये क्या बन गया, 0, 0 को b से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा और 2 में से 1 गया 1, तो a की वैल्यू आ जाती है -1, डायरेक्ट हमें मिल जाता है। इसी तरह से जब x+2 को 0 रखोगे तो x की जगह आप -2 रखोगे इस रिजल्ट के अंदर। अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, x की जगह -2 पुट करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इस बॉक्स में, तो ये हो गया -2 = a, यहाँ -2 रखोगे -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, यहाँ -2 रखोगे तो ये हो जाएगा -1। देखो हमारे पास आया -2 = -b, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और b की वैल्यू आ जाती है
टू। क्लियर, हम इन क्वेश्चंस को पहले कर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम इस पर लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा मेन टर्म थी जिसे हमने इंटीग्रेट करना था, जो हमारा इंटीग्रेंड था। इस इंटीग्रेंड को हमने इन दो टुकड़ों में बांटा तो ए की वैल्यू तो हमारी आ रही है माइनस वन और बी की वैल्यू आ रही है टू। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से हमारा क्या बन जाता है, माइनस वन बाय एक्स प्लस वन और प्लस टू बाय एक्स प्लस टू। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मैं नीचे का यहाँ से ना इरेज करने जा रही हूँ, आप इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पहले भी हम इनको कर चुके हैं। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो भाई, आई इज इक्वल टू क्या है, 1 to 2 एक्स बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स। क्लियर, और ये टर्म इन दोनों की एडिशन में है तो दोनों की इंटीग्रेशन में, दोनों अंदर आ जाएंगे इंटीग्रेशन में। 1 to 2 माइनस वन बाय एक्स प्लस वन प्लस टू बाय एक्स प्लस टू डी एक्स। क्लियर है, चलें आगे। तो अब इनको चाहो तो आप इंटीग्रेशन को अलग अलग भी कर सकते हो। फर्स्ट पे लगाएं माइनस बाहर 1 to 2, ये लिमिट ना हर बार चलेगी, हर बार ये लिमिट इंटीग्रेशन के साथ चलेगी। तो माइनस वन बाय एक्स प्लस वन डी एक्स, इसमें से 2 को बाहर ले लो 1 to 2 और भैया 1 बाय एक्स प्लस टू डी एक्स। क्लियर, 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग होती है। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन बिटवीन द लिमिट्स 1 to 2, 2 बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस टू बिटवीन द लिमिट्स 1 to 2। अब हम यहाँ पर अपनी लिमिट पुट कर देते हैं, ये x प्लस वन है भाई, ध्यान देना। तो माइनस बाहर, अपर लिमिट यहाँ मैं 2 रखूँगी तो 2 जमा 1 कितना आएगा, 3 आएगा, log 3, यहाँ 1 रखूँगी तो माइनस log 2। ठीक है, प्लस 2 बाहर है, यहाँ 2 रखती हूँ तो log ऑफ 2 जमा 2 कितना आ जाता है, ये आपका 4 आ जाता है और माइनस का log 3 आ जाता है। अब हमें इसको जस्ट सॉल्व करना है तो एक बार हम इसकी ब्रैकेट खोल लेते हैं। माइनस log 3 माइनस माइनस प्लस log 2 प्लस 2 log 4 माइनस 2 log 3, ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं तो ये हो जाएगा 3 log 3। मैं ऊपर का इरेज करके यहाँ पर अब आपको बताती हूँ ये पूरा क्वेश्चन। इन दोनों को हम मिक्स कर दें तो भाई माइनस एक्स और माइनस टू एक्स, तो ये तो हो जाएगा माइनस 3 log 3। ठीक है भाई, प्लस log ऑफ 2 प्लस, ध्यान देना मेरी बात पर। वैसे तो हम इस आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं लेकिन कोशिश करें जितना सिंप्लीफाई हो सके। ये जो है यहाँ एक हमारी आइडेंटिटी लगती है, n log m कह लो या m log n कह लो, तो ये हो जाता है log ऑफ n की पावर m, यानी आगे जो टर्म है ये पावर में चली जाती है। तो ये जो टर्म है ये यहाँ पावर में चली जाएगी तो ये हो जाएगा log ऑफ 4 square। 4 square कितना हो जाएगा, 16, और ये पावर भी यहाँ चली जाएगी तो माइनस log ऑफ 3 cube। ध्यान देना भाई, log m प्लस log n, सारी आइडेंटिटीज मैं यहाँ लिख रही हूँ, log m प्लस log n होता है log ऑफ mn, यानी दोनों की प्रोडक्ट। तो ये बनेगा 16 4 स्क्वायर इंटू 2, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा log ऑफ 2 इंटू 16। ध्यान दें, ये बन गया माइनस log ऑफ 27, ये बन गया log ऑफ 32। देखो, एक आइडेंटिटी ये बताई है मैंने, एक आइडेंटिटी ये बताई है, और अब एक और बताने जा रही हूँ मैं, log m माइनस log n क्या होता है, log ऑफ m बाय n। तो ये log m 32 प्लस का है, ये माइनस का है, तो इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो 32 बाय 27 logarithm ऑफ 32 बाय 27, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, इसको सॉल्व करने में, इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट रखने के बाद कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके आप इसे सॉल्व करें। दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल बेटा। आई इज इक्वल टू 0 to π/4 साइन क्यूब 2t डॉट cos 2t dt। इसे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इंटीग्रेट करेंगे।
आप ये देखें कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो हम सब्स्टिट्यूशन में ये ध्यान रखें कि जहाँ पावर आ रही है उसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा काम इजी हो जाएगा। भाई अगर मैं साइन थीटा को जेड रखती हूँ, एक्स रखती हूँ, तो ये हमारा डी जेड या डी एक्स में बदल जाएगा और उसकी पावर यहाँ 3 आ जाएगी। तो ये बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेट अस पुट, या लेट सिंपल आप कर दीजिए, साइन 2t इज इक्वल टू जेड, ठीक है। आप एक्स भी रख सकते हो। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो देखो साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस 2, मतलब थीटा, थीटा की जगह 2t, और 2t को फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2dt आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा dz, ठीक है भाई। ये जो टर्म ऊपर आपको दिखाई दे रही है ये है cos 2t dt, ध्यान दें cos 2t dt, यानी ये दो एक्स्ट्रा है। तो इसे अगर मैं राइट साइड में ले जाऊं तो cos 2t into dt क्या बन जाता है dz, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो आ जाती है इसकी। और sin 2t को हमने रखा है z, तो ये 1 जहां पुट करते हो वो 2, आगे जो डिफ्रेंशिएशन से आया वो 3। अब एक खास बात और मैंने बताई थी कि जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी लिमिट भी चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ से 0 रखेंगे टी को पहले, क्योंकि ये टी की लिमिट्स हैं 0 to 45, 0 to π/4, हमें जेड की लिमिट्स फाइंड करनी है। तो फ्रॉम सेकेंड जब टी 0 है, वेन टी इज इक्वल टू 0, तो जेड कितना होगा साइन 2 0, यानी कि साइन 0। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो जब टी की वैल्यू 0 थी तो एट द सेम टाइम जेड इज ऑल्सो कमिंग 0। ऑल्सो वेन टी इज π/4, ठीक है भाई, तो जेड कितना है, यहाँ से ध्यान दें, साइन 2 times of π/4 यानी कि 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 90। और साइन 90 कितना होता है, 1। इन दोनों को मिक्स करके मैंने बोला था कि आप एक सिंगल इक्वेशन नंबर 4 नाम दे सकते हो। अब सेकंड को, थर्ड को और फोर्थ को डायरेक्ट 1 में यूज़ करें, यूजिंग सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इन 1 वी गेट, हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमारा इंटेग्रल था आई, ध्यान दें साइन क्यूब 2t यानी साइन 2t की पावर 3, तो वो क्या हो गई हमारी जेड की पावर 3 हो गई। कोस 2t dt यहाँ से क्या आ गया dz/2, जो बाय में 2 था उसको मैंने बाहर ले लिया, और जो लिमिट्स थी हमारी जो कि 0 से 45 थी वो 0 से लेकर कहाँ चली जाती हैं, 1 पर चली जाती हैं। तो ये बन गया 1/2। अब ध्यान दें जेड क्यूब की इंटीग्रेशन dz से, तो कितनी हो जाएगी भाई, z^4/4 बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1। अब यहाँ इस 4 को आप लिमिट से बाहर ले लीजिए, तो 1/2 ऑलरेडी है, 4 यहाँ है, तो ये तो हो गया 1/8। z^4 पर हमने लिमिट रखनी है 0 to 1, तो जब आप लिमिट रखोगे तो ये होगा 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, 1 की पावर 4 1 होगा, 0 की पावर 4 0 होगा, तो ये 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाता है, 1/8 आ जाता है। तो ये आपके सारे एग्जांपल्स थे 7.9 के। कुछ क्वेश्चंस हम क्विकली एक बार देखते हैं। देखिए बेटा 22 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.9 में, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आपको करा देती हूँ, लिख मैंने सारे दिए हैं यहाँ पर, 12 लिख दिए हैं, 10 बाद में देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट -1 to 1 x + 1 dx, बिल्कुल सिंपल, x की इंटीग्रेशन भाई x²/2, 1 की इंटीग्रेशन x बिटवीन द लिमिट -1 to 1। एक बार आप इन सब में 1 रखेंगे, माइनस फिर इन सब में -1 रखेंगे एंड सॉल्व इट। 1/x की इंटीग्रेशन बेटा हम सबको पता है क्या होती है, log mod x, फिर आप यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, क्लियर है। अब ये देखिए इसमें 4 टर्म्स हैं, तो चारों को आपने अलग अलग इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या बन जाएगा, 4 × x^4 -5 × x³/3 +6 × x²/2 +9x, और फिर आप यहाँ लिमिट रखेंगे 1 से लेकर 2 तक, आप यहाँ पर लिमिट रखेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन
बहुत ही ईजी हो जाएगा। साइन 2x और कॉस 2x बिल्कुल सेम है। साइन 2x मैं बता देती हूँ, साइन 2x की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस 2x बाय 2 और फिर आप यहाँ लिमिट रखेंगे इसकी साइन 2x बाय 2। e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है? e की पावर x होती है। टेंजेंट x की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस लॉग ऑफ कॉस x होती है, या प्लस में लें तो लॉग ऑफ सीकेंट x होती है। बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं ये उसकी फॉर्मूलाज की। कोसेकेंट x लॉग ऑफ कोसेकेंट x प्लस कोटेंजेंट x का मॉडुलस, ये आपकी किसकी इंटीग्रेशन आ जाती है? साइन इनवर्स x की। ये आपकी किसकी इंटीग्रेशन आ जाती है? टेंजेंट इनवर्स x की। और ये आपका क्या आ जाता है? 1/2a log of x माइनस a by x प्लस a। c तो लगेगा नहीं, 2a का मतलब 2 इंटू में यहाँ 1 आ जाएगा, तो फिर आप यहाँ पर अपनी लिमिट्स पुट कर सकते हो 2 से 3 तक। क्वेश्चन नंबर 12, 0 to π/2 cos square x dx। देखो cos square की इंटीग्रेशन के लिए अब हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। पहले इंटीग्रेशन से पहले ये बन जाएगा 1 plus cos 2x / 2। ठीक है भाई, dx ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। cos 2x की इंटीग्रेशन यहाँ पर हमने कराई sin 2x by 2, then you can put the limit। ये कुछ और क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं, लास्ट के 10 क्वेश्चंस हैं हमारे, इनके भी हिंट्स मैं आपको देती हूँ। देखो ये मैं आपको एक बार में बता दूँ, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, तीनों में अगर आप ध्यान दो तो ऊपर लीनियर टर्म है और नीचे क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक की जो डिफरेंशिएशन होती है वो लीनियर होती है। क्लियर? तो आपको याद हो कि ये तो ऐसे डायरेक्ट भी हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे इसको तो ये आपका डायरेक्ट क्या बन जाता है? इंटीग्रेशन बन जाता है भाई, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो ये तो हमारा वैसे डायरेक्ट बन गया है 1/2 log of x स्क्वेयर प्लस 1 और फिर आप इसकी लिमिट्स पुट कर दो। बात करते हैं इन दोनों की, तो इनमें हम क्या करेंगे कि जो न्यूमरेटर है 2x प्लस 3 वो लिखा जा सकता है a टाइम्स, ध्यान देना है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। शायद आपको याद आ गया होगा, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस बी। हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, हमें ए और बी की वैल्यूज़ मिलेंगी, एक टर्म आपकी सेपरेट होकर वन बन जाएगी और एक में सेम यही वाला फॉर्मूला लगकर आपकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो 19th और 14th दोनों ही क्वेश्चंस आपके इस मेथड से हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैं जस्ट हिंट्स दे रही हूँ आपको क्योंकि वो सारी इंटीग्रेशन हम पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.6 तक। तो x इंटू ई इज टू पावर एक्स स्क्वेयर, ध्यान दो भाई, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x होता है। अगर मैं इसमें एक्स स्क्वेयर को t पुट कर दूं तो जो 2x dx है वो dt बन जाएगा और x dx dt by 2, तो ये dt by 2 और e की पावर t आ जाएगा, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, देन यू कैन इंटीग्रेट। अब इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर ऊपर भी स्क्वेयर है नीचे भी। जब इस टाइप का हमारा रैशनल फंक्शन होता है तो हम पहले क्या करते हैं? आपको याद हो मैंने करवाया था ऐसा एक एग्जांपल, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 1 या 5 समथिंग आएगा, फिर इस टाइप का फंक्शन आ जाएगा जिसे हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे और लास्ट में फिर हम लिमिट्स पुट करेंगे। ये डायरेक्ट है क्वेश्चन, इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। सीकेंट स्क्वेयर एक्स की इंटीग्रेशन टेंजेंट, एक्स क्यूब की एक्स 4/4 और 2 की 2x हो जाएगी। एक बार मैं बीच में ले रही हूँ, ये भी डायरेक्ट है, ये मैंने आपको पहले भी अभी आ चुका है इसी एक्सरसाइज में, टेंजेंट इनवर्स x बनेगा, लिमिट पुट कर देंगे। और उससे पहले अब मैं इन दोनों पर आ जाती हूँ, ये देखो ये भी ना बिल्कुल वर्बल सा क्वेश्चन है। कैसे? अगर मैं इसमें से यहीं पर करके दिखाती हूँ, माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाता है कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2। अभी मैं अंदर अंदर सोल्व कर रही हूँ इंटीग्रेंड को, इंटीग्रेशन करके नहीं दिखा रही मैं। तो माइनस कॉमन लिया तो कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है? कॉस 2 थीटा। तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ एक्स बाय 2 और ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन के अंदर ये पूरी टर्म माइनस कॉस एक्स में बदल जाएगी और माइनस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस साइन एक्स और आप फिर लिमिट को इजीली पुट
कर सकते हो। ये वाला 20th क्वेश्चन के दो पार्ट्स कर लेना। ये तो हो गया साइन थीटा, तो इसका तो हो जाएगा माइनस कोस थीटा बाय थीटा का जो भी कॉफिशियंट है, और इसे आप करिएगा बाय पार्ट्स, यू इंटू वी से बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करवा चुकी हूँ। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सिंपल है हमारा। डी एक्स बाय ये हो जाएगा 2 का स्क्वेयर और 3x का होल स्क्वेयर। 1 ये था हमारी आइडेंटिटी, याद करें, डी एक्स बाय ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर था, 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए। इस आइडेंटिटी को लगाकर आप इंटीग्रेट करेंगे एंड देन यू विल पुट द लिमिट। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि 7.6 तक आपको सारे फॉर्मूला सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप डेफिनेट इंटीग्रल पर बढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये एग्जांपल्स ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।